तमपेत कृत्यम् द्वैपायनौ विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतो भगवत चरणारविंदानुरागी भक्तजन के पावन प्रसंग श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, ऐसे भगवान के निष्प्रिय भक्त जिनको भगवान के प्रेम के सिवाय दूसरा कोई इच्छा नहीं है, ऐसे भक्तों की कथा श्रीमद् भागवत। कल हमने गोवर्धनोद्धार का प्रसंग सुना और इसी में आगे गति करते हुए हम दशम स्कंध के आज विशेष प्रसंग में जा रहे हैं, जिसको रास कहा गया है। रसो वैसह भगवान का नाम है रस, और भगवान के द्वारा रचित ये लीला रास कहलाती है। नाम उनका है रस और उनके द्वारा की हुई लीला रास। हमारे पास में एक इंद्रिय है जिसका नाम है रसना, अब सब एक दूसरे से मिले हुए शब्द हैं, रस रसना रास। हमारी जिह्वा को हम रसना भी कहते हैं, रस देने वाली, और यही एक इंद्रिय ऐसी है जो पूरे शरीर में सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंद्रिय। देखो सारी इंद्रियों का एक समय होता है, एक समय था जब हाथों में बहुत बल था, एक समय ऐसा आता है जब बल नहीं रहता, एक समय था जब पैरों में बहुत बल था, एक समय ऐसा था जब आंखें बहुत अच्छा देखती थी, एक समय ऐसा था जब कान बहुत अच्छा सुनते थे, किंतु धीरे धीरे इन सब इंद्रियों को क्या होता है, या तो पूर्व में या अंत में ये बलहीन हो जाती है। पूर्व में मतलब बचपन में, बचपन में इन इंद्रियों में इतना जोर नहीं, बुढ़ापे में भी नहीं, बीच में थोड़े समय के लिए जवानी में इन इंद्रियों में शक्ति होती है, किंतु जिह्वा को देखो आप कि जिह्वा बचपन से भी वैसी है, जवानी में भी वैसी है, और आंखों से दिखे नहीं, कानों से सुनाई ना दे, तब भी जिह्वा बुढ़ापे में भी वैसी है। उसको 90 वर्ष का हो जाए ना, तब भी उसको खाने में वही चाव है, चाहे पेट साथ ना दे रहा हो, चाहे डॉक्टर ने मना कर दिया हो, मीठा मत खाना, तीखा मत खाना, आप तुमसे सहन नहीं होगा, बीमार पड़ जाओगे, पर फिर भी ये चटोरी जिह्वा अत्यंत बलवान है। व्यक्ति को मालाएं पहनने को मिलती है ना, तो वो भी जिह्वा के कारण, और किसी को जूते भी पड़ते हैं तो जिह्वा के कारण। एक इंद्रिय को भगवान ने काम दो दिए, बोलने का भी इसी को दिया है और चखने का भी इसी को दिया है, बाकी सारी इंद्रियां दो दो हैं और काम एक है, और ये इंद्रिय एक है और काम दो है। तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक और मनन चिंतन का विषय है
कि ये इंद्रिय सबसे बलवान है और इसी इंद्रिय के द्वारा आप भगवान को पा सकते हो। क्या बोलना है और क्या खाना है, इतना जिसने जीवन में समझ लिया उसने जीवन जीत लिया। यदि संयम पूर्वक धैर्य पूर्वक बोला गया शब्द उसकी कीमत होती है, तो उसी प्रकार नियम पूर्वक विधि पूर्वक भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद लेने से शरीर की भी स्थिति ठीक रहती है। यदि मानव क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है, बस ये तीन बातों पर कंट्रोल कर ले, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है, तो उसका शब्द भी मंत्र हो जाएगा। व्यर्थ बड़बड़ाने वालों की घर में कीमत नहीं होती, और खासकर बुजुर्ग लोग अगर बिना फालतू का मशवरा दें, राय दें, तो उनकी कोई कीमत घर में होती नहीं है। बल्कि और कहा जाता है कि ये बोलते क्यों हैं? हाँ, चाहे वो अम्मा जी हो चाहे बा साहब हो, उनका बोलना ही घर में दुश्वार हो जाता है। इसलिए अपने शब्द की कीमत करो, शब्द ब्रह्म है। आप इतने दिन से इतनी भरी दोपहरी में जो सुनने आ रहे हो ना, वो शब्द ही सुनने आ रहे हो, क्योंकि शब्द ही भगवान है। ये तपस्या जो आप कर रहे हो ये शब्दों को सुनने के लिए कर रहे हो, और यदि शब्द ब्रह्म ना होता तो वेद क्या है, रामायण क्या है, महाभारत और भागवत क्या है, शब्द ही तो है। ध्रुव जी के द्वारा गाई हुई स्तुति क्या है, प्रहलाद जी के द्वारा गाया हुआ गान, कल आपने ब्रह्मा जी की इतनी सुंदर स्तुति सुनी, कल आपने नाग पत्नियों की इतनी सुंदर स्तुति सुनी, ये सब शब्द है, और शब्द से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो इतना मूल्यवान करोड़ों रुपए का शब्द व्यर्थ में बिना मांगे घर वालों को क्यों दो? मैं बुजुर्गों के हित में ये कथा में कभी कभी कहता हूं कि बोलना बंद कर दो घर में। आपको अगर अपनी इज्जत करवानी है, अपना सम्मान करवाना है, तो आप घर में बोलना बंद कर दो, घर के लोगों से मत बोलो। वो कुछ गलत करते हो करने दो, कोई नुकसान हो रहा है होने दो, तुमने तुम्हारा जीवन जी लिया ना, तुमने अच्छे से निकाल दिया, अब बिगड़ेगा तो उनका, सुधरेगा तो उनका, बिना मांगे राय मत दो। आप तो अपने जीवन का अनुभव उनको दे रहे हो, किंतु उनको लेने की कीमत तो हो भाई। उनको तो पड़ा हुआ हीरा मिल गया जमीन पर उसको कीमत नहीं होगी तो कांच का टुकड़ा समझकर फेंक देगा। आप तो लाख मूल्यवान हीरे जैसे शब्द दे रहे हो, किंतु सुनने वाला जोहरी तो होना चाहिए, और अगर जोहरी नहीं है तो फिर उसके सामने अपने हीरे परोसने से कोई मतलब नहीं। इसलिए मौन हो जाओ। ऋषभ देव जी का अवतार कथा आती है, उन्होंने अपने मुंह में एक इतना बड़ा पत्थर रख लिया था। कभी कभी हम भूल से बोल देते हैं, लाख कोई मोनी बाबा भी हो, कोई संत ने मौन का स्वीकार किया हो, व्रत किया हो, किंतु कुछ बोलने में आ जाए, गलती से बोलने में आ जाए, तो ऋषभ देव जी ने इसका क्या उपाय निकाला, स्वयं अवतार भगवान का, इतना बड़ा पत्थर मुंह में रख लिया, बोलना ही नहीं किसी को, कोई पूछेगा तो क्या। और कई लोग होते हैं जो व्यर्थ में किसी ने पूछा नहीं, राय मांगी नहीं, कोई प्रश्न किया नहीं, फिर भी बोलते रहते, कथा में बोलते हैं, और तो छोड़ो, कथा जैसे महत्वपूर्ण विषय में और महत्वपूर्ण समय में भी बात करेंगे, इधर उधर अड़ोसी से पड़ोसी से, कहां बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है, ये आपका मंत्र है। जिसने रसना को जीता उसने रास में प्रवेश किया,
और जिसने रास में प्रवेश किया वो रस रूप परमेश्वर से तदाकार हुआ। बस यही जीवन की कामना है, यही प्रत्येक जीव का भगवान के प्रति समर्पण है। या यूं कह दे कि हम आए ही इसलिए हैं कि इस जीव को शिव से मिला दे। बाकी आपने कितना कमाया, कितनी जमीन जोड़ी, कितना मकान बनाया, कितनी दुकान बनाई, इससे वहां कोई लेना देना नहीं। मानव मात्र का जन्म है इस जीव को शिव से तदाकार करना। कैसे होगा? उसका यह सूत्र भागवत में आ रहा है गोवर्धन पूजा के बाद। गोवर्धन पूजन का अर्थ है 56 भोग। गोवर्धन पूजन का अर्थ है खूब खाओ। भगवान ने इस पूजा के अर्थ में क्या बताया? खूब खाओ। किंतु इसके बाद जो कथा है वो है एकादशी के व्रत की। अब जो कथा है वो है एकादशी का व्रत। अच्छा, ये भागवत की बहुत छोटी कथा है, केवल 19 श्लोक इस कथा में है। कथा कितनी सी है कि दीपावली के दूसरे दिन ये 56 भोग बन रहे थे। भगवान ने कहा कि हमको इंद्र का पूजन नहीं करना, हमको गोवर्धन का पूजन करना है। स्वीकार कर लिया सबने और गोवर्धन का पूजन करने गए। एक दिन गोवर्धन का पूजन हुआ, दूसरे दिन नारद जी ने इंद्र को शिकायत की कि 7 साल के बालक ने तेरा पूजन बंद करा दिया और तू यहां इंद्र बना बैठा है। तो इंद्र ने क्रोध करके 7 दिन तक संवर्तक नाम के मेघों के द्वारा व्रजमंडल बहाने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब नवमी तिथि तक। नवमी तक उसने पानी बरसाया, कार्तिक के महीने में थक गया। स्वयं मेघों ने जाकर कह दिया कि पानी समाप्त। तो दशमी के दिन इंद्र ने आकर भगवान के पैर पकड़े, स्तुति की। अब ये दशमी तक चला ये गोवर्धन पूजा का प्रकरण। तो अगला दिन कौन सा हुआ? एकादशी। सुबह को जल्दी जागने की चिंता में आधी रात को जाग गए बाबा नमः। वैसे भी बुढ़ापे में नींद नहीं आती। उनको कह दो कि सुबह जल्दी उठा देना तो वो आधी रात को उठा दे। अच्छा, बुढ़ापे की ये खासियत है कि जहां नींद आनी चाहिए वहां नहीं आई और जहां नहीं आनी चाहिए वहां आई। तो बाबा नंद आधी रात को उठे और बिना समय का ध्यान दिए स्नान करने गए यमुना जी में। परिणाम क्या निकला कि आधी रात को जल के देवता का अपराध हुआ। राक्षसी वेला में स्नान नहीं होना चाहिए। राक्षसी वेला है 11:30 बजे रात से लेकर 3:30 बजे रात। इतने समय में 2 कार्य की मनाही है, एक तो स्नान और दूसरा भोजन। विशेष पर्व को छोड़कर, जैसे कि जन्माष्टमी, उसमें रात में ही खाना पड़ेगा। जैसे कुंभ का मेला, उसमें रात में स्नान करो, कोई दोष नहीं है। विशेष स्थिति और विशेष समय को छोड़ दिया जाए तो ये राक्षसी वेला में हमको भोजन और स्नान नहीं करना चाहिए। और वही अपराध किया बाबा नंद ने। परिणाम क्या निकला कि वरुण के 6 दूतों ने उनका हरण कर लिया। वरुण लोक ले गए। सुबह बाबा घर में नहीं मिले। भगवान को पता लगा कि वरुण ने ले गए हैं हमारे बाबा को। तो भगवान वरुण लोक जाकर बाबा नंद को छुड़ा कर लाते। अच्छा, वहां एक और आश्चर्य क्या देखा बाबा नंद ने कि वरुण ने भगवान को देखकर अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने सिंहासन पर भगवान को बिठाकर उनका विधिवत पूजन किया।
बाबा नंद ने ये सब देखा तो उनको लगा कि मेरा छोरा साधारण नहीं है। ये एकादशी के व्रत जो है ना, हमें व्रत के दिन ज्यादा चिंता हो जाती है कि अब क्या खाएं, और उस चक्कर में रोज दाल रोटी खाने वाला आदमी भी चार चार पांच पांच व्यंजन बना लेता है, थोड़ा मीठे में, थोड़ा चरखे में, थोड़ा खट्टे में, हो गया फिर तो उपवास। जिह्वा का मारा हुआ व्यक्ति उपवास में जिह्वा की ज्यादा चिंता करता है, थोड़ी चिप्स, थोड़ी छाछ, थोड़ा खिचड़ी, थोड़ा हलवा, थोड़ी साबूदाने की खीर, और रोज खाने वाला दाल रोटी, और बोले आज तो मेरी एकादशी है। जिह्वा के छह स्वाद है, मधुराम्ल लवण कटुकषाय तिक्त, भोग 56 नहीं 56,000 हो सकते हैं, किंतु स्वाद केवल 6 है, सातवां स्वाद नहीं है। मधुर यानी मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा, कषाय और तिक्त, सातवां स्वाद कहां से लाओगे भाई? आप गाजर का हलवा खाओ, चाहे सूजी का हलवा खाओ, चाहे आप गुलाब जामुन खाओ, चाहे रसगुल्ला खाओ, स्वाद तो एक ही है ना, मीठा। नींबू खाओ, चाहे छाछ खाओ, स्वाद एक ही है, खट्टा। इसलिए 56,000 भोग आप ले सकते हैं, किंतु स्वाद 6 है, और ये 6 स्वाद ने आदमी को मारा है। व्यक्ति को बस इतना नहीं पता है कि क्या खाना है और क्या बोलना है, कब खाना है और कब बोलना है, कितना खाना है और कितना बोलना है। मानो ब्रह्म सूत्र है, इतना सा सीखना फिर तो उसको सारी व्यवस्था बन जाएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, किंतु बस इतनी बात समझने में कई बार जीवन लग जाता है, और कहीं तो जीवन खो देते हैं, पर इतना समझ नहीं पाते कि कहां बोलना है और कहां खाना है। चाहे जो मिला, चाहे जब मिला, चाहे जितना मिला खा लिया, घर से खाकर आए हैं, पेट भरा हुआ है, फिर भी किसी ने कहा गुलाब जामुन है खा लो, तो चार चार पांच पांच वहां गुलाब जामुन खा ली, फिर किसी ने लस्सी ला दी वो पी लिया, और फिर बाद में कहते हो कि अरे बहुत पेट दर्द हो रहा है। इसीलिए 56 भोग के बाद और रास की कथा के बीच में एकादशी की कथा रखी। विज्ञान भी कहता है कि 7 दिन में 15 दिन में एक बार पेट को आराम दो, थोड़ा उसको थोड़ा पचाने दो पहले का खाया हुआ। तो इस कथा में बहुत हमारे लिए शिक्षा भरी है। वरुण के 6 दूतों ने जो हरण किया ना बाबा नंद का, वरुण यानि जल, जल यानि पानी, जिह्वा में आता है पानी खाने की बात करने पर, इसका अर्थ है कि जिह्वा के देवता है वरुण। वरुण के 6 दूत हैं और जिह्वा के 6 स्वाद हैं, यही 6 स्वाद जीव का हरण करते हैं जब उसको उपवास करना होता है। जब उसने एकादशी नवरात्रि का संकल्प किया, बस उसी समय जिह्वा ने उसका हरण किया, और इससे जो बच गया वो रास में प्रवेश करेगा। जैसे कि गोपियां, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, उदो आठो याम हमें कृष्ण ही सो काम है, बोलना तो कृष्ण, सुनना तो कृष्ण, जीवन जीना तो कृष्ण, काम करना तो उसके लिए, तैयार होना तो उसके लिए, ऐसी गोपियां हो गई, ऐसा भाव हो गया उनको, तो उनको रास में प्रवेश मिला। भगवान का वचन था कि जब मेरी वेणुनाद आपको सुनाई दे
अर्धरात्रि के समय, तब समझना मेरा बुलावा है। शरद पूर्णिमा की रात आई और उस दिन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया भगवान ने और अमना भगवान ने मन लिया। आज भगवान अमना है, उनको मन नहीं है। जो मन है ना हमारे पास, भगवान को मन नहीं, क्योंकि मन में इच्छा होती है और फिर कार्य करना पड़ता है। मन में तो इच्छा होती है कि हमारा घर 5 मंजिला हो जाए, पर इतना कार्य करने के लिए, और भगवान सामर्थ्यवान है किंतु उनको मन ही नहीं, उनको कोई इच्छा ही नहीं। जिसके पास मन ही नहीं, वो इच्छा कहां से लाए? इसलिए भगवान की लीलाएं भी भक्तों ने उनको बताया आपको क्या करना है धरातल पर आकर, ये भी भक्तों उनको बताते हैं। भगवान अपने स्वयं इससे कुछ नहीं करते, भगवत इच्छा। अमना होने के कारण भगवान ने यहां मन का स्वीकार किया और अपनी योग माया को आदेश देकर यमुना पुलिन आज एक ऐसा मंच बन गया जो कोई देखे उसकी दृष्टि ना हटे। ऐसा कदंब का वृक्ष, उसकी छैया, ऐसे सुंदर चंद्र की चांदनी छिटक रही है, ऐसा निर्मल प्रकाश है, थकावट का कोई काम ही नहीं, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, ऐसी व्यवस्था भगवान ने तैयार कर दी और स्वयं बड़ा सुंदर सज धज कर यमुना पुलिन पर आकर कदंब के वृक्ष के नीचे ठाड़े भए और वही उनकी त्रिभंगी ललित अदा, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, एड़ी ऊंची, घुटना लचका हुआ, कमर लचकी हुई, वक्षस्थल लचका हुआ, थोड़ा मुखमंडल बाएं कंधे की तरफ झुका हुआ है, दृष्टि अधखुली है। उसी समय भगवान ने बांसुरी को अधरार्पित किया और अपने प्राण जो ही उस बांसुरी में पूरे, तो उस निर्जीव बांसुरी ने निर्जीवों को सजीव कर दिया और सजीवों को निर्जीव कर दिया। वो वेणुनाद वायु के अश्वों पर सवार होकर जब गोपिकाओं के कर्णपुटों में प्रवेश करता है तो मानो सबका मन हाथ से गया। यहां लिखा है कि वो रात आ गई है, तारात्रि ही कह करके सुखदेव जी ने कहा वो रात आ गई। कौन सी रात आ गई इसके विषय में नहीं कहा, क्योंकि भगवान के अनेक अवतारों में भगवान ने श्रृंगार भाव से जिन जिन ने भक्ति की है उन सबको आज की रात का वचन दिया है। न केवल कृष्ण अवतार में अपितु राम अवतार में भी जिन्होंने भगवान से श्रृंगार भाव से मिलन की उत्कट इच्छा प्रकट की उनको भगवान ने आज का वचन दिया। और तो छोड़ो, स्वयं भोले शंकर शिवजी भी भगवान को आज मिलने के लिए आए। इसलिए यहां लिखा है तदनंग वर्धनम, अनंग का वर्धन करने वाला अलौकिक काम, ये भगवान का गीत उसको बढ़ाने वाला है। इसको सुनकर गोपियों की क्या स्थिति हुई? दुह्यन्तो भियुः कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मनुदवास्या परायुः लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या
अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। गोपियों की क्या स्थिति हुई ये वेणुनाद सुनकर सुखदेव जी कहते हैं कि दूध लगा रही थी कोई और भगवान की बांसुरी सुनाई दी तो आधा दूध लगा था आधा लगाना था भागी दो कदम भागी फिर याद आया दूध ऐसे ही रखा है गाय के नीचे तो वापस आकर के दूध को फेंक दिया। एक दूसरी गोपी ने कहा ये क्या किया तूने जितना लगा था उतना तो ठीक था कम से कम उतना तो घर वालों के काम आ जाता। तो वो सखी कहती है कि गोपी जरा विचार कर कि मेरा हाथ नंद नंदन के हाथों में होगा और मैं उनके साथ में नृत्य कर रही होंगी उस समय में ये थोड़ा सा दूध याद आ गया तो इस छोटे से धन के पीछे वो परम धन मेरे हाथ से चला जाएगा। हमको बड़ा मिले तो छोटे को छोड़ना आना चाहिए ये ध्यान रखना हमेशा। बड़ा फायदा हो रहा हो छोटा छोड़ना पड़े तो उसको छोड़ना चाहिए और फिर ये भी निश्चय करते आना चाहिए कि बड़ा क्या है और छोटा क्या है। कईयों को तो ये भी निश्चय करते नहीं आता है कि हमारा फायदा बड़े बड़े बड़ा कौन सा है और छोटा फायदा कौन सा है। दुग्ध का अर्थ है धन पैसा क्योंकि उस समय गोपियों के पास में कौन सा धन था कोई दूसरा धन था क्या उनकी एकमात्र जीविका वही दूध और उसका फेंकना इसका अर्थ है कि भगवान के लिए उस धन को भी फेंकना स्वीकार कर दिया है गोपी ने कि मुझे कहीं भी मन नहीं लगाना केवल कृष्ण में मन लगाना। अच्छा देखो इससे बढ़कर के माताओं के लिए स्त्रियों के लिए होता है उनकी साज सज्जा उनका घर। तो इन दोनों की स्थिति गोपी ने क्या की पहले तो घर की बात करें तो आधा लिपा था किसी गोपी ने और आधा छोड़ा और भागी हाथ में गोबर लगा था तो गोबर के हाथों से ही भागी। और एक सखी सासू जी की सेवा में थी कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कोई पति देव की सेवा में थी सबको छोड़कर भाग धन छोड़ा परिवार छोड़ा स्वयं का सजना सवरना। इसके लिए सुखदेव जी कहते हैं कि पैरों की पायल को जल्दबाजी में हार बनाकर गले में धारण कर लिया और गले के हार को पैरों में पायल बनाकर सजा लिया। एक तो लोचन में काजल खुल रही थी तो उसका काजल की रेख थोड़ा सा बाहर निकल गई तो उसने इधर की रेख को भी थोड़ा बाहर निकाला तो ये ज्यादा हो गई तो फिर सोचा इसको ज्यादा कर लूं तो इसको ज्यादा करने गई तो वो और ज्यादा बाहर हो गई। तब तो उसने काजल थोड़ा सा निकाला हाथ में और पूरे मुंह पर ही थपेड़ लिया क्योंकि जल्दबाजी वहां जाने की है तैयार होने का कोई यहां। एक गोपी ने कहा इससे तो पहले ही ठीक लग रही थी काला मुंह करने से क्या अर्थ है तो दूसरी ने कहा कि देख मैं कैसी दिख रही हूं ये तो जमाने को लेना देना है मेरे कृष्ण को इससे क्या लेना देना कि मैं कैसे लग रही हूं मेरा रंग कैसा है मेरा रूप कैसा है ये वो कहां देखता है। कृष्ण तो कलेजा देखता है वो काया को कहां देखता है उसे मन से लेना देना है तन से नहीं इसलिए मैंने मेरा मुंह ही काला कर लिया। किसी ने उल्टा वस्त्र पहना किसी ने काजल को होठों पर लगाया और होठों की लाली मां को आंखों में सजाया ऐसे पागल हो गई। सबसे बड़ी बात होती है स्त्रियों के लिए लोकलाज और वो अर्ध रात्रि के समय घर छोड़कर नगर छोड़कर वन की तरफ भाग रही है ये सर्वस्व त्याग है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक परमात्मा मिल जाए ये संभव नहीं है। हम स्त्री हैं ये भाव भी उनको समाप्त हो गया भाई आप कितना भी छोड़ने वाले बन जाओ त्यागी बन जाओ महात्मा सन्यासी बन जाओ
कोई भी मठाधीश हो जाओ, परिवार भूल जाओ, बच्चे भूल जाओ, नगर भूल जाओ, नाम भूल जाओ। कईयों ने नाम बदलना पड़ता है, जब कोई संन्यास लेता है तो उसका गांव का नाम क्या था उससे कोई लेना देना नहीं, फिर जब उसका अभिषेक होगा तो उस उनके स्वामी जी का नामकरण अलग से होगा, तो पहले वाले नाम से भी उसका कोई लेना देना नहीं, तब भी उसको ये स्मरण रहता है कि मैं पुरुष हूं, ये वो नहीं भूल सकता कि मैं पुरुष हूं, या कोई सन्यासी स्त्री ये नहीं भूल सकती कि मैं स्त्री हूं, वो अपना घर भूल सकती है, परिवार भूल सकती है, किंतु वो ये कैसे भूलेगी कि मैं स्त्री हूं, या कोई पुरुष ये कैसे भूलेगा कि मैं पुरुष हूं। अच्छा, आत्मा का क्या लिंग है, वो स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? शास्त्र के अनुसार अतिशय कामना जिसमें होती है ना, वही शरीर धारण करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जो जो स्त्रियां हैं वो पूर्व में पुरुष थी, और जो जो पुरुष है वो पूर्व में स्त्री थी। यहां तो आत्मा रूप से परमात्मा से मिलना है,